हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का लाजवाब हलवा। देखिए, ये देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है। इसके लिए हमने पहले एक लौकी ली थी, उसको कद्दूकस कर लिया था अच्छे से, देखिए इस तरीके से। और एक कढ़ाई में हमने 1 से 2 चम्मच लमसम घी डाला। ये कुछ इलायची के दाने हमने उस घी को गर्म करने के बाद उसके अंदर डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे ये लौकी जो हमने कद्दूकस की थी। आप चाहो तो इस लौकी का पानी निकाल सकते हो, सूखी भी रख सकते हो, और इसमें अगर पानी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसमें दूध डालकर इस हलवे को बनाने जा रहे हैं। अब इस को थोड़ा सा हिलाएं, अच्छे से इसको टॉस करें लौकी को। ये देखिए इस तरीके से, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, लाइट ग्रीन से इसका कलर डार्क ग्रीन थोड़ा सा नहीं हो जाता, तब तक हम इसको हिलाएं कम से कम 20 से 25 मिनट। उसके बाद हमने ये आधा दूध डाला है पहले। अब इस दूध में हम इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। वैसे ये नॉन स्टिक फ्राई ली, वो कढ़ाई ली है तो उसमें लगेगा नहीं, लेकिन अगर आप सिल्वर की या दूसरे लोहे की किसी भी कढ़ाई यूज़ करते हैं तो इसमें इसको लगातार हिलाते रहें। वैसे ज़्यादा हिलाने की भी इसमें नहीं रहती है, बाकी हलवे की तरह, मूंग के हलवे की, गाजर के हलवे की, उसकी तरह नहीं रहता, ज़्यादा इसको हिलाना नहीं पड़ता। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे हम जब तक ये दूध पूरा सोख नहीं जाता। ये दूध सोखने लग गया तब हमने इसमें और जो बचा हुआ दूध था वो ले लिया। मैंने इसमें लौकी की क्वांटिटी ली है 250 ग्राम, उसमें मैंने 100 ग्राम दूध लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, देखिए इस तरीके से। ऐसे कुछ और रेसिपीज, लाजवाब रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। देखिए इस तरीके से ये अब दूध जो है पूरा इसमें मिक्स होने लग गया है, सोख गया है। लौकी जो है वो दूध को सोख लेती है अच्छे से। इस दूध की मदद से हम लौकी का जब हलवा बनाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब हमने इसमें डाली 2 चम्मच चीनी, लगभग 50 ग्राम। देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी डालने के बाद। चीनी डालने के बाद एक बार के लिए इसमें थोड़ा सा पानी सा हो जाएगा, क्योंकि चीनी की जो है वो पिघल, चीनी पिघल कर थोड़ा सा पानी होगा, लेकिन उसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और कलर भी चीनी डालने के बाद और अच्छा हो जाएगा इसका, हलवे का। ये देखिए इस तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। ये हमारा हलवा लगभग बनकर तैयार है, थोड़ी देर में ये और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा गाढ़ा हो गया, 5 मिनट चीनी डालने के बाद और चलाया था मैंने। लगभग आधे घंटे में हमारा ये जो हलवा है वो बनकर तैयार हो जाता है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप ये लौकी का लाजवाब हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। इसी तरीके से कढ़ाई में लौकी का हलवा हमने बनाना बताया है आज इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनकर तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।